तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सेकंड डिश देखने की, किस तरीके से यहाँ पर सेकंड डिश बनाई जाएगी उसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमें जो शेफ है यहाँ पर वो हमें कंप्लीट चीजें बना के बताएंगे और उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिएगा। तो शेफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी आप क्या बनाने जा रहे हैं? अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, हमारे होटल के नाम से सीजलर है, सेवरी स्पेशल सीजलर। ओके। उसमें 5 टाइप के सब्जी आएगा और टोटल मिला के 1 सीजलर होगा। ओके। तो दोस्तों अभी जो हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सेवरी सीजलर, और यहाँ पर हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपने सबसे पहले क्या यहाँ पर ऐड किया है? ऑयल डाला। ओके। बटर आएगा दोस्तों, अभी यहाँ पर बटर ऐड कर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। लहसुन का जो पेस्ट है उसे थोड़ा बारीकी से काटा हुआ है। यहाँ पर लहसुन डालकर बटर में उससे अच्छी तरह से फ्राई किया जा रहा है। बटर और गार्लिक का जो सुगंध आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर सॉस वगैरह यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये जो सॉस है वो आपके यहीं पर बनाया जाता है? हाँ, यहीं पे बनता है। ओके। दोस्तों इसे देखने के बाद बिल्कुल यही फील आ रहा है कि जैसे घर पर हमारा हेल्दी फूड बनता है वही चीजें यहाँ पर बन रही है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अभी मसाला ऐड करने जा रहे हैं। ये आपने क्या ऐड किया अभी? व्हाइट पेपर। ओके। काला मरी पाउडर। ओके। और इंग्लिश वेजिटेबल में पार्सली। ओके। दोस्तों ये यहाँ की बहुत ही फेमस सिजलर है जो कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर खाने आते हैं, और इसका टेस्ट हमने सुना है बहुत ही बढ़िया होता है। थोड़ा क्रीम ऐड होगा। ओके। यहाँ पर इन्होंने क्रीम ऐड कर दिया है। धनिया। दोस्तों जब खाने में धनिया आता है तो मूड ही बिल्कुल जबरदस्त हो जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने धनिया ऐड कर दिया है। मैक्रोनी ऐड होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहली आइटम है वो रेडी हो चुकी है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मैक्रोनी। रेड मैक्रोनी, इटालियन मैक्रोनी इसका नाम है। ओके। तो इटालियन मैक्रोनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं सेकंड जो आइटम ऐड होने वाली है वो देखते हैं किस प्रकार से बनता है। आइटम जो हम लोग बना रहे हैं वो सेकेंड आइटम है सिजलर 2 का। ओके। तो अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? अभी सिजलर का जो वेजिटेबल आता है टोस्ट करने का है खाली। ओके। वो बटर में फ्राई होता है, अभी वो बना रहा हूँ मैं। तो इसमें आपने क्या क्या ऐड किया है थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैंने बटर डाला, अब वेजिटेबल डाल दिया, इसको 1 से 2 मिनट तक छेकने का है। छेकने के बाद फिर हम मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों देखते रहिएगा, बहुत ही यूनिक ये सिजलर है और इसको खाने के बाद बड़ा मजा आता है। लोगों के मुंह से मैंने बहुत सुना अभी, और 1-2 कस्टमर का हमने रिव्यू भी लिया था। अभी 1 by 1 इसे हम रेडी करेंगे और खुद खाकर आपको बताएंगे किस प्रकार का ये डिश है। ब्रोकली, फांसी, गाजर और फूलगोभी, 4 आइटम आते हैं वेजिटेबल के। ओके। मसाला ऐड कर रहा हूँ। मसाला ऐड कर रहे हैं? मसाला में मैगी क्यों डालना पड़ेगा, थोड़ा व्हाइट पेपर, हल्का सा चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगानो पाउडर और 1/2 टीस्पून काला मिरी पाउडर। अब इसको हम फिर से थोड़ी देर छेकेंगे 1 से 2 मिनट तक। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो इसमें वेजिटेबल यूज किया है जो बहुत ही हेल्दी है, अगर आप हेल्दी फूड की बात करें तो ये सभी जगह पे कंसीडर होता है। तो सिजलर बहुत ही हेल्दी होने वाला है, उसे अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। धनिया डाल के बस हो गया सेकेंड डिश, अब तीसरा डिश की तैयारी है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड जो आइटम है वो रेडी हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव जो थर्ड आइटम है उसे हम देखेंगे।
सर जी, ये जो आप बनाने जा रहे हैं इसका डिश का नाम क्या है? इसका तो ऐसे स्पेनिश का ही सॉस बनाने का खाली एकदम नॉर्मल ही है, बस इसको हम टिक्की के ऊपर डालेंगे। वहाँ पे टिक्की ऑलरेडी फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर सर ने सबसे पहले यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है, उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल के बाद अब बटर जरूर डालते हैं। बटर डालने से एक चीज़ है कि इसका स्वाद बहुत ही टेस्टिंग आता है। ओके, क्योंकि बटर तो बटर ही। राइट 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 राइट, बटर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है सर। हाँ ये तो सही। अभी इसको बस 2 मिनट भूनना है, फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक पालक पेस्ट। ओके, कर दिया पालक पेस्ट ऐड। 2 से 3 चम्मच पालक पेस्ट आएगा। दोस्तों आप भी जानते हैं पालक जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पालक की जो ग्रेवी है उसे बनाकर यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिए। मसाला ऐड करेंगे, सेम तालिका का ये मसाला, कोई डिफरेंट नहीं है। व्हाइट पेपर, चिल्ली फ्लेक्स और इन दोनों काला मरीच, और एक मतलब आइटम में सेम मसाला ही आते हैं, जो टेस्ट होता है वो हमारे हाथ निखर के आता है। दोस्तों ऐसे तो एक मिथ है कि जब जेंट्स खाना बनाता है तो उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग आता है, तो आज इनके हाथ का टेस्ट करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से रिव्यू भी करेंगे। क्रीम डालेंगे इसमें, क्योंकि पालक में क्रीम सबसे बेस्ट। ओके, क्रीम नहीं डालेंगे तो पालक का स्वाद बिल्कुल ही नहीं आएगा। ओके, फिर घर जैसा बन जाएगा। होटल में जो फ्रूट बनता है उसका टेस्ट नहीं होगा, होटल वाला जो टेस्ट है वो नहीं आएगा भाई। दोस्तों ये शेफ का टिप्स है, बहुत ही यूनिक टिप्स है। कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पर जो 4th नंबर का आइटम है उसे यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सर जी इसका नाम क्या है? इसका नाम स्पेनिश सॉस है खाली, ये नॉर्मल ही नाम है बस। उसको हम जब टिक्की के ऊपर डालेंगे तब जाके स्पेनिश सॉस विद टिक्की। दोस्तों अभी यहाँ पर डिश 2 आ चुका है सबरी का, जो कि सिजलर है, बहुत ही फेमस है यहाँ पर, लोग इसे खाने के लिए खास आते हैं। और आप देख ही सकते होंगे बहुत ही दिखने में डिलीशियस नज़र आ रही है। तो इसे खाएंगे, टेस्ट करेंगे और आपको इसका रिव्यू देंगे। तो चलिए देखते रहिए, इसे हम टेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सिजलर हमारा आ चुका है, इसे मैं यहाँ पर खाऊंगा, टेस्ट करूंगा और आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वन बाय वन हम इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सिजलर यहाँ पर इतना फेमस क्यों है और गांधीनगर में अगर लोग इसको खाने आ रहे हैं तो उनको किस प्रकार का टेस्ट मिलेगा। चलिए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को टेस्ट करना चाहूँगा जो कि बहुत स्पाइसी नज़र आ रहा है, इसे हम थोड़ा खा के देखते हैं किस प्रकार का है। दोस्तों गर्मा गर्म, और टेस्ट की बात करें ऑसम टेस्ट है, आप आओगे आपको मज़ा आने वाला है। पहला ही डिश मुझे बहुत अच्छा लगा है जो कि मशरूम का टेस्ट आ रहा है मुझे अंदर, और मशरूम मेरा भी खुद का बहुत फेवरेट है,
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं दूसरे आइटम में, उसे हम खा कर देख लेते हैं। दोस्तों फैमिली के साथ आओगे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ या आपके फ्रेंड इसे पहले ऑर्डर करेंगे और बोलेंगे हमें यही खाना। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, मैं कम्प्लीटली फिनिश करने वाला हूँ। अब हम चलते हैं अदर चीज़ों पर। तो यहाँ पर ये बचपन में बहुत खाया करते थे घर पर भी, और यहाँ पर भी घर वाला बिल्कुल टेस्ट है। मैंने यहाँ पर इसको बनते हुए देखा है, बहुत ही क्वालिटी से इन्होंने बनाया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्वालिटी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं, क्वालिटी इनका बेस्ट पार्ट है। और जिस तरीके से मैं खा रहा हूँ मुझे भी फील आ रहा है कि क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑसम। अब यहाँ पर हम चलते हैं हेल्दी वाला, जो कि यहाँ पर हमने सब्जियाँ वगैरह बनते हुए देखी थी। सब्जियाँ इनके टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही कम ऑयल है, और बात करें मसाला बिल्कुल इस तरीके से इसने ऐड किया है कि मसाले का स्वाद कम ऑयल और हेल्दी फूड इसे कहा जाता है। इसे भी मैं टेस्ट करके बताता हूँ। दोस्तों हम सवरी में पहली बार ये खाना खा रहे हैं, और अगर मैं पहली बार खा रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा, आपको खाने में बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज़ें बहुत ही फ्रेश और अच्छी लग रही हैं, और टेस्ट 5 out of 5 मेरी तरफ। तो दोस्तों अभी मैं इसे पूरा एंजॉय करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे मैं एंजॉय करके आपको बताऊँगा। वेट, यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी थोड़ा बातें करते हैं और उनके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। देन आफ्टर वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सर प्लीज़ आइए। और सर सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सर आपके बारे में बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम यशवंत है, यशवंत रूपाला, और लास्ट 1 year से रेस्टोरेंट में चला रहा हूँ। पहले मैं जॉब करता था। ओके। 20 years मेरे पास एक्सपीरियंस है, 20 years का। अभी मेरा एक ही गोल है कि एक तो गेस्ट को क्वालिटी फूड देवे, हेल्थी फूड देवे और अच्छी सर्विस देवे। राइट। दूसरा कि हमारा प्लानिंग है कि अहमदाबाद में एक और रेस्टोरेंट करना है, और दूसरा कि हम आउटडोर कैटरिंग का सोच रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आउटडोर कैटरिंग एज सून एज पॉसिबल। हाँ जी। सर जी अगर बात करें, जैसे आपने कैटरिंग का बोला, तो जो मैंने टेस्ट किया आपका फूड, आई होप आपका फूड बहुत ही बढ़िया है। कैटरिंग में तो आप धमाल मचाने वाले हैं। दिस इज रियली ट्रू थिंग। यस, प्लानिंग यही है कि अब हमारा कैटरिंग बहुत अच्छा चले, जो हमारा फॉर्म है जैसे सेवरी रेस्टोरेंट है उसका एक नाम हो जाए। बिल्कुल। मेन गोल हमारा यही है कि सेवरी का नाम हो जाए। ओके। और थोड़ा सा दोस्तों अभी हम बजट के बारे में बात करते हैं। सर फूड तो अच्छा दे रहे हैं, साथ में थोड़ा बजट की बात करते हैं कि यहाँ पर सिजलर जो भी इन्होंने फूड बनाया उसका क्या रेट रहता है, और साथ ही साथ में अपने यूजर्स को और भी क्या चीज़ें सर्व करते हैं। सर जी थोड़ा रेट के बारे में बताइए, जो हमने पहली डिश की और दूसरी डिश हमने कवर की उसका क्या रेट है। जो हमारा जो करारी है अभी हमने स्टार्टिंग में 99 रेट है उसका, 99 rupees है। Okay. कम्पेयर टू मार्केट बहुत सस्ता है। दूसरा जो आपने आपको सिडलर मैंने सर्व किया, सिडलर 375 का है विद टैक्स। ओके। 375। ओके। तो सर जी मैं थोड़ा ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं दोस्तों के साथ में आता हूँ या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो ऐसा कुछ बजट में आप कोई ऐसा आपके पास फूड अवेलेबल है कि अगर वो आते हैं तो वो भी उनको अच्छा हेल्दी फूड मिल सके और आपके यहाँ पे सर्व करते हैं। यस वी हैव अ, यस वी हैव अ वन पंजाबी थाली, पंजाबी फिक्स थाली होती है हमारी। उसमें 2 सब्जी आती है, 3 रोटी आती है, दाल राइस होता है, गुलाब जामुन होता है, पापड़ होता है, छाछ होता है। ओके। और एवरीबडी अफोर्ड। 175 में वो थाली मिलती है जो हम डाइनिंग में यहाँ सर्व करते हैं। ओके। तो आपको कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता, और बहुत सस्ता के साथ साथ आपको बहुत अच्छा क्वालिटी फूड मिलेगा। ओके। तो सर हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी वो चीज़ देखें और यहाँ पर निकले हों तो उसे टेस्ट करके निकले। श्योर। ओके। श्योर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इनकी जो थाली जो ये सर्व करते हैं अपने कस्टमर्स को, जो कि 175 में है, बहुत ही कम रेट में है। तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी आइटम्स अवेलेबल होती है। सो दोस्तों जिस प्रकार से हमने सर के पास में जाना कि भाई ये सारी फूड तो हम देख ही रहे, पर अगर बजट के फूड में अगर हम आ रहे हैं और अगर दोस्तों के साथ में आ रहे हैं, तो वो कौन सा फूड होगा कि जो हमारे बजट में भी आए, और साथ ही साथ में आप अगर यहाँ पर आते हो अपने दोस्तों के साथ में आपको हेल्दी फूड मिलेगा,
तो चलिए सर से ही जानते हैं वो बजट फूड का नाम क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो सर जी अगर जैसे बजट फूड की बात करें, जैसे आपने थाली के बारे में बताया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बजट वाला फूड भी है। जैसे हमारा फिक्स फूड पैकेट आता है पंजाबी थाली, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक बार दो सब्जी आती है, एक पनीर और एक वेज, ओके, दाल राइस होता है, रोटी होती है, तीन रोटी आती है, ओके, उसके साथ सलाद भी होता है, दो गुलाब जामुन, छाछ और पापड़। जो पंजाबी थाली है, जैसे मैंने बताया आपको, इतनी सारी प्रोडक्ट है तो 1 पर्सन के लिए इनफ हो जाता है इतना खाना। राइट, खाना तो हैवी ही ऐसे, काफी लोग तो मतलब दो रोटी ही खा सकते, फिर भी हम सर्व करते इतना फूड। तो दोस्तों अगर बात करें क्वांटिटी की, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी बहुत ही कम रेट में है, 175 रुपये में आपको पूरी थाली मिल जाती है जिसमें ये सारी आइटम्स अवेलेबल है जैसे कि सर ने हमें बताया। तो दोस्तों चलिए अभी वन बाय वन हम लोग पूरा अब इसे खाएंगे, आपको रिव्यू करके सारी चीज़ें हमने बताई। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जहाँ पर आपने सारी चीज़ें देखी। तो दोस्तों क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सर जी हमें आपके रेस्टोरेंट का थोड़ा टूर कराइए, क्या क्या चीज़ें और एडिशनल में आप देते हैं, वो सारी सब चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, डाइनिंग के लिए हमारा एक छोटा सा हॉल आप देख चुके हो, एक दूसरा हॉल है ये। इसके बाजू में हमारा बैंक्वेट है 110 कैपेसिटी का। अगर पैक्स बढ़ जाता है, जैसे 200-250 हो गया, तो बीच में से पार्टीशन हम खोल देते हैं तो दोनों कवर हो जाता है, सारा फर्नीचर बाहर निकल जाता है। तो हम 200-250-300 तक पार्टी यहाँ कर सकते हैं। ये तो आपने देख लिया, मैं आपको बैंक्वेट बता देता हूँ, एक बार बैंक्वेट देख लो प्लीज। चलो हम आपको अपना बैंक्वेट दिखाते हैं। ओके भाई, तो जैसे कि हम बैंक्वेट की बात करें तो सर यहाँ पर ये सारी चीजें खाने के लिए आप, ये बुफे काउंटर है राइट, टोटली बैंक्वेट में 110 कैपेसिटी है, 110 पीपल। अगर ज्यादा पार्टी हो जाती है तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पूरा पार्टीशन खुल जाएगा, ओके, तो पूरा हॉल एक बड़ा हो जाएगा, तो 200-250 की कैपेसिटी का हो जाता है, 200-250 या यहाँ पे 110 लोगों का जो यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाता है, 110 लोग तो यहाँ बैठ ही सकते हैं, पर अगर आपको ज्यादा लोग अगर यहाँ पर जैसे ऐड करना होता है तो यहाँ से पार्टीशन निकाल के इसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सर इसमें कौन कौन सी चीजों का ज्यादा इवेंट्स होता है थोड़ा सा बताएंगे? यस, यहाँ काफी मैरिज भी होता है, मैरिज के लिए स्पेशल हम यहाँ बीच में चोरी भी लगा देते हैं, ओके, तो मैरिज भी हो जाता है, एंगेजमेंट होता है, बेबी शावर होता है, बर्थडे पार्टी तो बहुत सारी होती है, ओके, और उसके साथ कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, राइट, तो सारी पार्टियां हम यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर हर एक प्रकार की इवेंट होती है, बर्थडे पार्टी ले लीजिए, बेबी शावर ले लीजिए, या तो शादी की कोई इवेंट हो, वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर इवेंट है और उसके क्या चार्जेस वगैरह, तो वो सारी सब चीजें आपको सर बताएंगे। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि गुजरात में गांधीनगर में ये रेस्टोरेंट अवेलेबल है और बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छी तरीके से हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इंक्वायरी करिए, जानिए यहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो स्टे ट्यून्ड, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर देखते हैं कुछ नया, और अगर पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देख सकें। स्टे ट्यून्ड।